రాజ్యసభలో రైతుల ఆందోళనలపై సుదీర్ఘ చర్చ జరగనుంది 15 గంటల పాటు రైతుల గురించి చర్చించేందుకు ప్రభుత్వం విపక్షాల మధ్య అంగీకారం కుదిరింది ఇవాళ ఉదయం సభ మొదలు కాగానే రైతుల ఆందోళనపై చర్చకు పట్టుబట్టాయి విపక్షాలు 5 గంటల పాటు చర్చ జరగాలని డిమాండ్ చేశాయి దీనిపై స్పందించిన పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి 15 గంటల పాటు చర్చిద్దామని తెలిపారు I had discussion with honorable LOP and now consensus is arrived that more time should be given to the discussion on postponed motion and if kindly chair can agree we have arrived with a consensus with the after speaking to the leaders leader of opposition and arrived at a consensus with the other leaders we can allot more time with your permission for this particular motion and for that today question hour may be suspended and tomorrow question hour and zero hour may be suspended and we can take it for 15 hours so that all the parties can also participate in the discussion and also we can Friday as already agreed in the BAC Friday we can dispense with the private member business also sir opposition parties takriban 18 se 19 parties ki meeting hui thi aur हम चाहते थे हमने गवर्नमेंट से निवेदन किया था कि राष्ट्रपति जी के मोशन ऑफ थैंक्स से पहले किसानों की एजिटेशन पे चर्चा हो लेकिन सरकार की तरफ से ये बताया गया और जिसे हम समझते हैं कि शायद पहले भी नहीं हुआ है ऐसा कि राष्ट्रपति के मोशन ऑफ थैंक्स से पहले कोई बिजनेस नहीं लिया जाता इसलिए हम सब लोग जितने विपक्ष के लोग हैं 18-19 पार्टियां मिलकर हमने तय किया कि अगर मोशन ऑफ थैंक्स से पहले डिस्कशन किसानों का नहीं होता है तो जो डिस्कशन उस दिन होना चाहिए था किसानों के लिए ही वो हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उसकी चर्चा करेंगे 5 घंटे तो वो 5 घंटे जो किसानों की चर्चा करनी थी अलग से बिल्कुल स्टैंड अलोन वो हम चर्चा करेंगे माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में और वो 5 घंटे वहां बढ़ाए जाएं 15 घंटे और सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम सब की मांगी और आपसे निवेदन करते हैं कि आप इसको अनुमति दे दें अग्रीड वी हैव डिस्कशन ऑन प्रेसिडेंट्स एड्रेस स्ट्रेट नाउ एंड देन अलॉट सजेस्टेड 15 आवर्स First, I think what Honorable Parliamentary Affairs said, today after question hour, because for today is not after zero question, hour. After zero hour. After zero hour, sir. So we will go by that, and accordingly I instruct the Secretariat to reallocate time as per the present arrangement of 14.5 hours hoga, aadha ghanta usme gaye to. So is hisab se samay ko baantna padega, sab sadasyon ko. अवगत कराना पड़ेगा नॉर्मली दिस इज नॉट डन सस्पेंशन ऑफ जीरो आवर आर क्वेश्चन आवर बट एट टाइम्स इट वाज डन अर्लियर आल्सो एंड नाउ दैट देर इज अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट एंड देर इज अ ब्रॉड अग्रीमेंट इन द हाउस आई एम विलिंग टू गो बाय दैट राज्यसभा कांग्रेस पक्ष नेता आजाद మాట్లాడుతున్నారు लाइव చూద్దాం खिलाफ ये 3 कानूनों में क्या था उसकी जमीन की मालिक ब्रिटिश सरकार होगी और मालकाना हक से उनको वंचित रखा जाएगा किसानों को उन्हें बिल्डिंग बनाने की घर बनाने की और पेड़ काटने की अपनी जमीन पे कोई हक नहीं होगा और जो बड़ा बेटा होगा परिवार का अगर वो एडल्ट नहीं होगा अगर वो बालिग नहीं होगा और मर गया तो ये जमीन छोटे भाई को जो बालिग नहीं है उसको नहीं ट्रांसफर होगी जमीन गवर्नमेंट की होगी इस पर वबाल मच गया और इस पर एजिटेशन 1907 में हुई और इस एजिटेशन का संचालन कौन कर रहे थे अजीत सिंह सरदार अजीत सिंह बड़े भाई भगत सिंह जी के किशन सिंह जी भगत जी के पिताजी घसीटा राम जी सूफी अंबा प्रसाद और प्रोटेस्ट
पूरे पंजाब में हो, और उस वक्त बांके लाल जो जंग के एडिटर थे उन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल वे का एक गीत बनाया जो उस वक्त का सबसे बड़ा मशहूर और क्रांतिकारी गीत बना। मैं उसमें से कुछ क्षण यहां आपको बताना चाहता हूं। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, तेरा लुट गया माल वे जट्टा पगड़ी संभाल, सारे जगदा पेट भरे तू, सारे जगदा पेट भरे तू, अन्नदाता कहलाए तू, उठ और उठ के खाक के जर्रे, खाक के जर्रे को कहता, उठ और उठ के खाक के जर्रे, एक सितारा बन जा तू, बुझा बुझा सा क्यों है दिल तेरा, एक अंगारा बन जा तू, वो सदियों के ठहरे पानी बहती धारा बन जा तू, लुट गया माल तेरा लुट गया माल वे पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। तो ये इस तरह उस गीत ने एक नया जोश, एक नया वलवला, एक जगह नई जागृति उन किसानों में पैदा की।